तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपन एंड्रॉयड फ़ोन को आईफोन में चेंज कर सकते हो। जैसा कि आप मेरा यहाँ फ़ोन देख सकते हैं, मेरा यहाँ एंड्रॉयड फ़ोन है, लेकिन मैं इसे आईफोन में चेंज किया हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ हर एक फीचर जो एंड्रॉयड फ़ोन में रहता है। यहाँ आप देख सकते हैं सभी वह फीचर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैंने अपने इस एंड्रॉयड फ़ोन को आईफोन में यहाँ पर चेंज कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी फीचर दिखाई दे रहा है। आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन को आईफोन में चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अपने यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी अपने एंड्रॉयड फ़ोन को आईफोन में चेंज करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो पूरा अंत तक देखना है। आपको क्या सेटिंग करना है जिसके बाद आपका भी एंड्रॉयड फ़ोन ऐसा ही दिखेगा, तो आपको इस वीडियो पूरा अंत तक देखना है। आपका फ़ोन कितना भी पुराना, बस आपको एक सेटिंग करना है, उसके बाद आपका एंड्रॉयड फ़ोन आईफोन में चेंज हो जाएगा। तो यदि आप भी अपने एंड्रॉयड फ़ोन को आईफोन में चेंज करना चाहते हैं, इस वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या आपको करना है। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, मेरा एंड्रॉयड फ़ोन यहाँ पर नॉर्मल है। मैं अब आपको आईफोन बना के दिखाता हूँ कि क्या आपको करना, जिसके बाद आपका भी एंड्रॉयड फ़ोन कितना भी पुराना हो, उसके बाद आईफोन बन जाए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब आपको यहाँ पर गूगल में आना है। गूगल में आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च में लिखना है आईफोन वॉलपेपर, लिख के आपको ओके कर देना। इसको लिखने के बाद यहाँ पर काफ़ी आईफोन का वॉलपेपर आ जाएगा। तो आपको व्यू ऑल में इमेज पर क्लिक करके आपको जो भी वॉलपेपर चाहिए आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी वॉलपेपर है, तो आपको जो भी चाहिए आपको डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए मैं कोई भी डाउनलोड कर लेता हूँ। आपको इस पर क्लिक करना है, विजिट पर क्लिक करके आपको इसे डाउनलोड करना है। आपको यहाँ पर जितना भी वॉलपेपर चाहिए आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस पर आपको प्रेस रखना है, उसके बाद डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यह इमेज डाउनलोड हो जाएगा। तो अब आपको बैक आ जाना है। डाउनलोड करने के बाद अब आपको एक एप्लीकेशन का डाउनलोड करना है, उसी में सब सेटिंग करना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ उसमें क्या क्या सेटिंग करना है, उसके बाद मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कि उस एप्लीकेशन को आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। तो यही वो एप्लीकेशन है। तो चलिए मैं इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद इस तरह का ऑप्शन आएगा, तो आपको स्टिक को हटा देना, उसके बाद गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको परमिशन को अलाउ कर देना है। तो चलिए परमिशन को आपको अलाउ कर देना, उसके बाद इनेबल नाउ पर आपको नीचे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको परमिशन जो होगा उसे आपको इस ऐप का परमिशन आपको अलाउ कर देना है। फिर से आप ओके इनेबल पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर अब आपको फिर से इसका परमिशन अलाउ कर देना है। तो चलिए परमिशन को अलाउ कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक गेट स्टार्टेड का ऑप्शन दे रहा है, अब आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लोडिंग ले रहा है। तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर प्रेस करना है, 3 से 4 बार आप प्रेस करेंगे, उसके बाद आपका फ़ोन आईफोन के। अब आपको यहाँ पर सेट एज डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर फोन लॉन्चर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर फिर आपको इस पर प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो गया। अब आपको जो वहाँ पर आप फोटो डाउनलोड किए होंगे आईफोन वॉलपेपर का, उसमें जाकर आपको सेट करना है। तो चलिए मैं गैलरी में जाकर सेट करके दिखाता हूँ आपको फ़ोटो। तो यहाँ पर मैं फ़ोटो में आ जाता हूँ, उसके बाद मैं जो फ़ोटो डाउनलोड किया हूँ उसको मैं यहाँ पर सेट करके दिखाता हूँ। तो चलिए मैं आपको उस फ़ोटो को यहाँ पर सेट करके आपको दिखाता हूँ। तो मैंने इस फ़ोटो को लिया था, उसके बाद मैं इसे सेट कर लेता हूँ। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर सेट करके यहाँ पर 3 पर क्लिक करना है। उसके बाद सेट एज वॉलपेपर पर आपको क्लिक करके इसे अप्लाई कर देना, होम एंड लॉक स्क्रीन पर दोनों। उसके बाद आपका एंड्रॉयड फ़ोन अब आईफोन की तरह दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर नोटिफिकेशन भी, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा। यहाँ पर आप लाइट भी ऑन कर सकते हैं, यहाँ पर म्यूजिक भी आप सुन सकते हैं। इस पर क्लिक करके आप म्यूजिक ऑन करके, उसके बाद यहाँ पर नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बगल में यहाँ पर आपके मोबाइल का परसेंटेज भी दिखाएगा कितना परसेंट है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आप इस पर बैक आ सकते हैं और यहाँ पर काफ़ी सेटिंग है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको इस पर प्रेस रखना है और आपको दोस्तों यह एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो इसको आपको बंद करना है। तो आपको उस एप्लीकेशन में जाना है, एक सेटिंग करना है, उसके बाद बंद हो जाएगा। तो चलिए उस एप्लीकेशन में आते हैं, इसको आपको बंद करना है। तो वहाँ पर उस एप्लीकेशन में आने के बाद SE2 टच का ऑप्शन दिया होगा, यहाँ पर ऊपर इसे आपको बंद कर देना है। इसको बंद करने से वो हट गया, देख सकते हैं यहाँ पर वो हट गया वो ऑप्शन, तो आपको उसे बंद कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अब आपका एंड्रॉयड फ़ोन कितना भी पुराना होगा तो आईफोन की तरह दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा फीचर आईफोन की तरह हो गया। तो इसी तरह से आईफोन दोस्तों रहता है। और चलिए यदि आपको लॉक लगाना चाहते तो आप लॉक भी लगा सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, उसी आपको एप्लीकेशन में आना है और आपको नीचे यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर क्लिक कर देना। उसके बाद यदि आपको यहाँ पर पासवर्ड वाला लगाना है तो इस पर टिक करना है, यदि आपको पैटर्न वाला लगाना है तो इस पर। तो चलिए मैं पैटर्न वाला लगाता हूँ। वो आपको जो भी यहाँ पर लगाना होगा आपको यहाँ पर डन कर देना। तो चलिए 2 बार करके डन कर देना, उसके बाद आपका पासवर्ड ही लग जाएगा। मैं स्क्रीन बंद नहीं कर सकता हूँ, रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका पासवर्ड ही लग गया, पूरा आपका फ़ोन आईफोन की तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं।
और यहाँ पर आप यहाँ से इस पर क्लिक करके आप डाटा भी ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर वाईफाई पर क्लिक करके यहाँ पर डाटा वाईफाई दोनों दिया है, यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आपका ये एंड्रॉयड फ़ोन आईफोन की तरह हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप एप्लीकेशन भी आप सर्च कर सकते हैं यहाँ पर जो भी चाहिए। तो चलिए दोस्तों मैं बता देता हूँ उस एप्लीकेशन को आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। तो दोस्तों इस ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों ऐसे वीडियो के मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।